बाबा ने तुम्हें इतनी सारी बातें सुनाई और आगे से तुमने एक जवाब भी नहीं दिया। अपनी सफाई में कुछ तो बोलती। कोई फायदा ही नहीं था। वो क्यों? क्योंकि मेरे मुकाबले में उनकी अपनी औलाद थी। आपने गुले नाना को लेकर जाने का फैसला कर ही लिया तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप उसको कुछ समझाएं। वो मुझे छोड़ने की बात करती है, तलाक की धमकी भी देती है। तुम्हारी कमी बड़ी महसूस होती है मुझे गुले नाना। मेरा मतलब है मुझे आलिया को। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी शादी में आऊँ, फिर बात करूंगी। हाँ हाँ हाँ, खुदाफिस। खुदाफिस। मन माने ना, मन माने ना। लगता है इसने सब कुछ बता दिया बाबा को। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। नहीं बेगम साहबा, हम ये काम कर लेगा। बीबी, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात करनी है कुछ। जी सर। पूरा दिन तुम मसरूफ रहती हो, लेकिन जब मुझे तुमसे बात करनी होती है तुम फौरन बिजी हो जाती हो, काम पकड़ लेती हो, काम करना शुरू हो जाती हो। पूरा दिन कहाँ थी तुम, क्या करी थी? मैं तायाबू के साथ वादी में गई। तायाबू के साथ वादी में गई थी क्यों? ताकि तुम मेरी शिकायतें लगाओ और खुद को बिचारी साबित कर दो। नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तुम्हारी बिचारगी का सबूत मिल गया है। क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचा रहे हो? बाबा शोर ही मचाओ तो क्या करूं मैं, मुझे बताएं। ये देखें, ये देखें। क्या है ये? अशर की कॉल है बाबा। अशर उसका खालाजाद भाई है। खालाजाद भाई, फुप्पोजाद भाई कुछ नहीं होता, भाई भाई होता है। ये हमेशा मुझसे ज्यादा अहमियत उसको देती है। मैं शादी से पहले भी जब इसको बोलता था मेरे साथ गाड़ी में बैठो, इंसानियत के नाते कहीं छोड़ के आ जाता हूँ, नहीं बैठती थी, लेकिन उसके साथ बाइक पे बैठ के चली जाती थी। फजूल बातें मत करो, अब अशर की शादी हो रही। शादी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी शादी से पहले भी लैला और मारिया से बात करते थे, अब भी बातें करते हैं उनसे। तुम्हारी तो ओए अदीन, बाबा देखिए ना किस किस्म की बकवास कर रही है ये। राणा, अगर ये अहमक है, तुम तो अकलमंद लड़की हो ना, दरमियान में खानदान की लड़कियों को क्यों ला रही हो? सिर्फ दरमियान में नहीं लेकर आती है, उनको हर मसले के बीच में घसीटती है बाबा, उसके बाद उन पे इल्जाम लगाती है और हमेशा उनके बारे में बात करती है। बस करो प्लीज, बस करो। मैं अपना टेंपर लूज नहीं करना चाहता, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बहुत मायूस किया है। अब मेरा यहाँ रहना बनता नहीं है। देखा, देखा तुमने क्या कहा उन्होंने? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो किससे बात करूं मैं? सायबू, सायबू आप इस तरह से खफा होके नहीं जा सकते, कुछ दिन तो और रुक जाए। किस लिए रुकूं मैं यहाँ? तुम दोनों मेरी बात मानने को तैयार नहीं, बात खुद सर हो गए तुम। मगर मैंने क्या किया है? आप अदील की बातों में आके मुझसे क्यों बदगुमान हो रहे हैं? मैं किसी से बदगुमान नहीं। तायबू, अदील खामखा में मुझ पे शक कर रहे हैं। अशर भाई मेरे भाइयों जैसे हैं। उन्होंने मुझे कॉल की थी अपनी शादी पे बुलाने के लिए, बहुत इसरार कर रहे थे। मैंने भी उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आऊंगी उनकी शादी का फंक्शन अटेंड करने तायबू के साथ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं तुम्हारे शौहर की मर्जी के बगैर कहीं नहीं ले जा सकता। तुम्हें अशर से पहले ही माजरत कर लेनी चाहिए थी। तायबू, देखो मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए ये छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम्हें अदील की बात माननी चाहिए, अब इसके बाद इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। मगर वहां पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
देखा ना, तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो, तो अदील की बात कैसे सुनती होगी? मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकती, मैं नहीं जाऊंगा। शाबाश, इसी तरह अदील की बात मानने की भी आदत डाल। शिकवे गिले क्यों मिटते नहीं, खुशियों के पल हम झूमते नहीं, क्यों जिंदगी के हाथ से झूठे किनारे, डर है कहीं खो जाए ना अपने हमारे। आपने राणा को भी डांट दिया? हाँ क्यों नहीं, राणा को भी डांटा। मुझे लगता है आपने उसके साथ ज्यादती कर दी है। यार कैसे कह सकती हो तुम, कमाल आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो कितनी हसास और नेक मिजाज बच्ची है। मेरा कहना यही होगा कि आप सारे मामलात को गौर से देखें, मुझे लगता है आपने उसके साथ ज्यादती कर दी है। ये तुम्हारा वहम है। नहीं ये मेरा वहम नहीं है। ओके सुबह बात करूंगा मैं, अभी सोने जा रहा हूं। खुदा हाफिज। अरे वाह, आज तो अच्छी बीवियों की तरह काम कर रही हो। वैसे तुम्हें पता है तो मुझे ऐसी अच्छी लगती हो, मेरे आसपास मेरी खिदमत करते हुए। सुनो जबान क्यों नहीं चल रही है? बाबा ने ज्यादा सख्ती से मना कर दिया है। कहाँ जा रही हो? ताया अब्बू को बुलाने। मैं पूछ रहा हूँ ये किसकी शर्ट है, कौन ठहरा था मेरे कमरे में? साहब सच्ची बात है मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या हुआ था अबू? ये शर्ट किसकी है, कौन ठहरा था मेरे कमरे में? ये शर्ट तो मोना की है। कौन मोना? मिसेस मोना, मेरे दोस्त की बीवी। बाबा आए हुए थे थोड़े दिन पहले, रखे गए हमारे घर पे, हम काफी बोर हो रहे थे ना दोनों। सही कह रही हो, मैंने मोना भाभी को देखा था शर्ट में, उन्हीं की शर्ट है, मैं भिजवा देता हूँ। रीना बीबी आज तो पसवाने वाली थी। नहीं चुनी नहीं, बीबी जी। बेगम साहबा क्या हुआ, परेशान? नहीं वो असल में नूरी ससुराल चला गया ना, तो जाते हुए रो भी रहा था, उसकी याद आ रहा था। हम गरीब लोग हैं ना, उसको रोक भी नहीं सकता था। ठीक है ये तुम बजाहिर आजाद नजर आने वाले लोग अंदर से कितने मजबूर होते हैं। बेगम साहबा हमारा तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबके बेटियों के नसीब अच्छा करे। अच्छा अब हम खाना बनाते हैं। मन माने ना, मन माने ना, करता फिरे मन मानिया। गुलजार साहब गाड़ी में सामान रखिए, हम लोग आ रहे हैं। ताबू ताबू ये रख लीजिएगा। ये क्या है बेटा? अशर भाई की दुल्हन के लिए है, अम्मी को दे दीजिएगा, वो उन्हें पहुंचा देंगे। ओके बेटा ये रख लेता हूँ, लेकिन अब दोनों जरा सुलूक से रहना, मुझे तुम्हारे झगड़े की खबर नहीं मिलनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाओ, मैं राणा का पहले से ज्यादा ख्याल रखूँ। गुड, और तुम बेटा? मेरी क्या मजालत है आपकी? नहीं बेटा ऐसे नहीं, खुश दिली से मुस्कुरा के एक दूसरे के कसूर माफ कर दो,
ठीक है अब जा अपना ख्याल रखो। वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो मेरी बच्ची। तुम्हें पता है मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारी राह देख रही हूँ। क्यों करती हैं मुझसे इतना प्यार? आपको पता नहीं है बेटियों से इतना प्यार नहीं किया जाता। और मेरी राह मत देखें, मैं नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? रो रही हो क्या? नहीं मैं नहीं रो रही। की आवाज सुन के दिल भर आया। तो फिर कराची आ जाओ ना जल्दी से। अदील के साथ लाहौर जा रही हूँ, उनको कोई ऑफिस का काम है और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उनके साथ जाना पड़ेगा। क्या हुआ अदील को? ज्यादा खराब तो नहीं तबीयत? ज्यादा बीमार नहीं है, मौसमी बुखार है। आप परेशान ना हो। अच्छा कहाँ है वो, मेरी बात करवाओ। इस वक्त घर पे नहीं है अम्मी। घर पे नहीं? तुम कह रही हो बुखार है और वो बाहर घूम रहा है, तुम ख्याल रखा करो बेटा उसका। अम्मी वो तायबू को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए हैं, आज कराची आ रहे हैं तायबू। मैंने उनके हाथ कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं अशर भाई की बीवी के लिए, उनको प्लीज़ दे दीजिएगा और मेरी तरफ से माजरत भी कर लीजिएगा। उनको ये भी कहिएगा कि मुझसे ना आने का गिला मत करें और ना ही मुझे फोर्स करें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ तुम परेशान मत हो, मैं बता दूंगी उसे। तुम बस अदील का ख्याल रखो ठीक है? हमारे लिए उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, अब वही तुम्हारा घर है, वहीं पे दिल लगाओ। जी शाबाश मेरी बच्ची। अम्मी हमना कैसी है? मुझे याद करती होगी है ना, मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे कहाँ, वो तो शादी के हंगामे में मगन है ना, बस आलिया के साथ रोज रोज बाजार के चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे। ठीक है मैं फोन रखती हूँ। अच्छा अल्लाह की अमान में मेरे बच्चे, अल्लाह की अमान। कितना इंतजार था मुझे, कितना इंतजार था तुम्हारा मेरी गुड़िया। पता नहीं कब तक मेरा इंतजार इंतजार ही रहेगा। मुझे पता है बहुत इंतजार होगा आपको मेरा, मैं भी तो दिन गिन रही थी। मैं कुछ रोज आपकी मोहब्बत की घनी छाओं में आंखें मूंद कर सोना चाहती थी, कुछ रोज के लिए सब कुछ भुलाना चाहती थी अम्मी, मगर मेरे बस में कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपके पास जरूर आऊंगी, आज नहीं तो कल ही सही, ये मेरा हक है। अपनी माँ से मिलना तो मेरा हक है अम्मी। पापा चले गए। आजादी फील हो रही है? वैसे तुम्हें अभी बात मान लेनी चाहिए कि मैं तुमसे दो हाथ आगे हूं, मैं किसी को भी अपनी बातों में घुमा सकता हूं। राणा मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश में ना अकेली रह जाओगी, तो बेहतर यह है इन कोशिशों को अब यहीं पे खत्म कर दो। मैं तुम्हें तलाक कभी भी नहीं दूंगा, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, I'm sorry. I just like to be honest. इसलिए कि अगर किसी चीज से मेरा दिल भर जाए ना तो मैं उसे स्टोर में जरूर फेंक दूंगा, लेकिन किसी को दूंगा नहीं। तो मेरी प्रॉपर्टी हो। वैसे मैं अभी अंदर फ्रेश होने के लिए गया था, वहां पे देखा एक बैग पड़ा हुआ था। बाबा के साथ कराची जाने का प्लान था।
नाकाम हो गया। हाँ इस बार नाकाम हो गई, हर दफा नाकाम हो गई। तो बेहतरी इसी में है कि बस हाँ रुक जाओ, मुझे आपके मशवरों की जरूरत नहीं है। फल्ला कहाँ रह गई है ये लड़की, इतनी देर हो गई फोन ही नहीं उठाती है। हेलो माँ। अरे आ गई तुम? आ गई मैं। और ये सब क्या, सारे पैसे खर्च कर आई हो तुम? अरे अम्मा ऐसी बातें ना करें ना, मेरा मूड मत खराब करें, इतनी खुश तो वापस आई हूँ मैं। हाँ वो तो नजर आ रहा है कि तुम बहुत खुश हो। चलो छोड़ो इसको, खाना खा लेते, मैंने भी नहीं कुछ खाया तुम्हारी परेशानी में। अरे अम्मा खाना तो हम खा लेंगे, आपको मैंने ये बताना है कि अदील को मैंने फोन करके बताया कि मैं पहुंचने वाली हूँ, बहुत खुश है वो। वो तो खुश होगा लेकिन उसकी मनहूस बीवी, वो कहाँ घुसने देगी तुम्हें घर में? उसकी क्या मजाल, अदील उसे लिफ्ट भी नहीं कराता, और आपको पता है उनका ये किस्सा भी जल्दी खत्म होता हुआ ही नजर आ रहा है मुझे। हाय अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, वैसे अगर मामू ना गए होते ना अदील के पास तो मैं पहले ही चली जाती। कोई बात नहीं अब चली जाऊंगी, चले मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, आप खाना लगा ले। तुम कब तक यहाँ पे बैठ के सोग मनाने वाली हो? पूरे दिन इस तरह जाया मत कर देना, उठो जाके मेरा वार्डरोब ठीक करो और बेडरूम में कुछ चेंजेस देखना। तुमने सुना है मैंने क्या कहा? सुन रही हूँ। तो जवाब दो ना। आपका वार्डरोब ठीक कर दूंगी, बेडरूम में क्या चेंजेस चाहिए? अब तुमने इतने प्यार से पूछा तो बता देता, जब वापस आऊँ तो औरत को दूसरी करनी चाहिए। वो काम तो आप खुद कर सकते हैं, मैं नहीं। चैलेंज मत करो मुझे, मैं खुद मुंतजर हूँ उस वक्त की। फजूल बात करने का कोई मौका नहीं जाने देती हो तुम, ये चाय ठंडी हो चुकी है, मुझे ताजी चाय पीनी है गरम। उठो चीज़ के नखरे हैं इसके। हेलो आदि क्या हाल है, तुम मरी में ही हो? मारिया मारिया। हाँ एक मिनट। मारिया कहाँ हो तुम? मारिया अब अरे आ रही हूँ ना अम्मा, क्या हो गया आपको? एक तो अभी आई है लम्या, उफ गिर गई, आए मेरे पैर में मोच आ गई अम्मा। किसने कहा था इतनी ऊंची ऊंची आवाजें दो, अब गिर गई हूँ ना मैं, आ क्यों नहीं रही हो अम्मा? आई अल्लाह कितना दर्द हो रहा है, मैं अदील से मिलने कैसे जाऊंगी? अम्मा आ क्यों नहीं रही अब? अकबर चाचा जी। बेगम साहिबा वो वाले फूल मिल सकते हैं मुझे? जी आप लोग कितनी प्यारी जगह पे रहते हैं। बेगम साहिबा ये इतनी जगह प्यारी नहीं था लेकिन आपके आने से और भी प्यारा हो गया। सच? बेगम साहबा कोई मेहमान आ रहा है आज? हाँ साहब के मेहमान आ रहे हैं। अच्छा कोई औरत ही आ रहा होगा। क्यों साहब से मिलने वाली सिर्फ औरतें ही होती हैं? जब आप नहीं था ना तो साहब से मिलने औरत ही आता था, इसलिए बोला। बात ना करें मुझसे आप बाजी, शादी के बाद कितना बदल गई हैं आप, हमें बिल्कुल भूल गई हैं। मुझे तो यकीन नहीं आता कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ।
मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ अमना? अगर आप भूली नहीं होती तो आप लाहौर ना जाती अदील भाई के साथ। अशर भाई की शादी अटेंड करने आप यहाँ ज़रूर आती, हमें इतना इंतज़ार था आपका। वैसे अम्मी कुछ कहती तो नहीं है लेकिन चुपके चुपके बहुत रोती हैं। अम्मी रोती हैं? हाँ तो क्या करेंगी, हम बहुत उदास हैं बाजी, आप तो हमें भूल ही गई हैं। मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ, तुम और अम्मी दूर होके भी मेरे पास हो। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताएं आप कब आएंगी? आप मुझे बहुत याद आती हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। आऊँगी। मैं बहुत अकेली हूँ बाजी। तुम अकेली नहीं हो अम्मा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं आप बहुत दूर हैं। पापा के बाद से हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, हौसला देंगे एक दूसरे को, लेकिन आप इतना दूर चली गई बाजी। प्लीज अदील भाई से कहें आपको लाहौर ना लेके जाएं, वापस आ जाएं बाजी। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो बाजी, मेरी माँ छुप छुप के रोती है मेरे लिए, तरस रही है वो, और मैं सब कुछ कैसे शख्स के लिए कर रही हूँ जिसे मेरे प्यारों की कोई परवाह ही नहीं। मन माने ना करता फिर मन मानिया। सर मैंने आपको कितनी दफ़ा फरमाया है फ़ोन से फजूल बातों से गुरेज करें और काम में ध्यान दें। सर वो मैं राना बीबी को फ़ोन कर रहा था सर। राना बीबी को क्यों फ़ोन कर रहे थे सर आप? सब कई दफ़ा मिलाया मगर रबता हो नहीं रहा, वो कह रही थी कि मेरा दिल घबरा रहा है ज़रा बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ। मतलब राना घर पर नहीं है? जी नहीं सर। किससे पूछ के गई है? अंधेरा हो रहा है। तुम लोगों को बोला था मेरे मेहमान आ रहे हैं, उसको जाकर ढूंढो। जी सर। बोला था मेरे मेहमान आ रहे हैं। मेरा फोन नहीं उठाएगी।
राना बीबी, राना बीबी, राना बीबी, राना बीबी। बात सुने मैं अपने घर का रास्ता भूल चुकी हूँ, क्या आप मुझे मेरे घर पहुँचा सकती हैं? मैं घर पे कॉल कर रही हूँ, कॉल लग नहीं रही, सिग्नल नहीं मिल रहा है। सिग्नल्स का प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहता है यहाँ। एक काम करते, तो मेरे घर चलो, वहाँ से फ़ोन कर लेना। आपका घर? हाँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भाई से कहूंगी, वो तुम्हें ड्रॉप भी कर देगा, ठीक है? चलो आ जाओ। नेटवर्क को भी अभी मर रहा था। हेलो, कहां चली गई है कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह रहम करे, मैंने कहा था मेरे दोस्त आ रहे, घर पे रहना। करूँ, कॉल भी नहीं मिल रही, वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है, इतनी देर तक मेरा घर से बाहर रहना मुनासिब नहीं है। तुम रिलैक्स रहो, उमर आएगा तो हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। वैसे भी तुम जो निशानियाँ बता रही हो मुझे, मेरे लिए ढूंढना मुश्किल है। तो फिर आप अपने भाई को कॉल करके बुला लेना जल्दी, प्लीज। अभी तुम्हारे सामने ही तो फोन किया है मैंने उसे, आता ही होगा। आओ बैठो, चाय पियो। आप ही मुझे किसी तरह से छोड़ दें घर। लो आ गया उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर, ये गुले राना है, अपने घर का रास्ता भूल गई। तो कोई तो निशानी याद होगी आपको, बासानी पहुंचा सकता हूँ। हाँ हाँ, निशानियां तो बता रही है। कोई डूंगा गली में कमाल साहब का घर था शायद, ग्रीन कलर का गेट है, अब तुम जानते हो, मुझे तो मालूम नहीं है। कमाल साहब कहीं वो तो नहीं है जो ट्रैक से पहले ग्रीन गेट आता है? जी जी बिल्कुल वही है। आप जानते हैं उस जगह को? बिल्कुल जानता हूँ, बहुत आसानी से पहुंचा सकता हूँ आपको। तो प्लीज अभी मुझे मेरे घर पहुंचा दें। जी चलें, बिल्कुल। आप भी चल लिए ना मेरे साथ। उमर जी, बाजी आपको भी हमारे साथ ही चलना चाहिए। चलो फिर ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम दोनों दोबारा भी मिलेंगे। जी जरूर। चलो ठीक है, चलो उमर चलें। चलें। हाय उमर। एक्चुअली ये
रास्ता भूल गई। कौन था ये? किसके साथ घूम रही थी तुम? अदील, मैं रास्ता भूल गई थी। बकवास कर रही हो, परेशानी से हालत मेरी खराब हो रही है, तुम अयाशी कर रही हो। मैं घर का रास्ता भूल गई। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने आपको इतनी कॉल की, कॉल ही नहीं मिल रही थी। बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। तुम्हें कहा था कि मेरे दोस्त आ रहे, कोई बीवी से मिलवाना चाहता था तुमको, लेकिन तुम तो अयाशी कर रही थी ना। जाओ, जो अयाशी तुम कर रही थी वो जाके तुम अयाशी कर सकती हो। इस घर में तुम्हारी लिए जगह नहीं। से नींदे रूठी हुई है, ख्वाबों की लड़ियां सूखी हुई बेगम साहबा, आप इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठे? चलो उठो, ठंड लग जाएगा, बुखार हो जाएगा। उठो बेगम साहबा, उठो। चाचा, मैं दो रोज के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ किसी ऑफिशियल मीटिंग के सिलसिले में। घर का ख्याल रखना और अंदर कुछ कपड़े हैंग हुए हैं, वो भी गाड़ी में रखवा दो। साहब, वो बेगम साहब की तबीयत ठीक नहीं है साहब। मैं डॉक्टर हूँ। नहीं ना, ये बातें मुझे मत बताया करो। उसको लो और जाके डॉक्टर को चेक कराओ। कैसी हो? हमेशा की तरह बहुत अच्छी। और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ भी है मेरे पास। अच्छा, प्लीज बताओ कि तुम नहीं आ रही हो। क्यों कहा तुमने ये? मजाक कर रहा हूँ, समझा भी करो। अच्छा ठीक है, पूछोगे नहीं मैं कब आ रही हूँ? हाँ हाँ बताओ, कब आ रही हो? मैं कल ही आ रही हूँ, और एयरपोर्ट पहुंच जाना मुझे लेने। हाँ, मुझे वेट ना करना पड़े तुम्हारा। हाँ, नो वरी, मैं इस्लामाबाद में हूँ, टाइम पे आ जाना। हाय, सच? इसका मतलब है तुमसे भी इंतजार नहीं हुआ ना, तुम पहले से ही इस्लामाबाद आके बैठ गए। इसे पता है मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा, मैं तो फौरन तुम्हारे पास पहुंचना चाहती हूँ। एक बात बता, पप्पू ने तुम्हारे यहाँ पे आने पे कोई एतराज नहीं किया? एतराज करेंगे भी तो मैं कौन सा रुकने वाली हूँ। गुड, ये जो तुम्हारे प्यार की स्ट्रेंथ है ना, वाओ। खैर चलो, कल मिलते हैं। तुम्हें कहा था कि मेरे दोस्त आ रहे, अपनी बीवी से मिलवाना चाहता था उनको, लेकिन तुम तो अयाशियां कर रही थी ना। जाओ, जो अयाशियां तुम कर रही थी वो जाके तुम अयाशियां कर सकती हो। इस घर में तुम्हारी लिए जगह नहीं। तो ये फोन नहीं उठाती है मेरा।
हेलो इस्लाम साहब, अपनी बीवी को बता देना मारिया मैडम आ रही है, उनके लिए कमरा रेडी करें। जी साहब, हम बता देगा। कब आ रहा है मारिया बीबी? कल मेरे साथ आएगी, याद से बता देना। जी साहब। अकबर चाचा, मेरा बेडरूम में कुछ सामान है, वो निकाल के गेस्ट रूम में रख दो, और ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बेगम साहिबा, आप चाहें तो दो रोज तक रूम में रह सकती हैं, क्योंकि साहब इस्लामाबाद गए हैं। नहीं, मैंने आपको जैसा कहा है वैसा करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। संग दिल बढ़ाए लम्हा हुआ है, वादों का दर्पण टूटा हुआ है। रिश्ता वो जिसको फूलों से बांधा, कांटों में अब क्यों उलझा हुआ है। लापरवाह लोग, फोन या कुछ भी कहीं भी रख के भूल जाते हैं। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? अशर का अब्बा बात कर रहा हूँ, बोले। मैं डॉक्टर एजाज बोल रहा हूँ। वो अशर साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या बोल रहे हैं आप? उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस अंदाज में और कितनी आवाज में किससे बात करनी है? औकात नहीं है तुम्हारी, समझे? खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता। इसकी तो हसरत है बाप पे हाथ उठाए, गरीबान पकड़े। मैं पूरी दिया देता ना, ये लो मारो, ये लो गरीबान मारो, मारो ना, खड़े क्यों देख क्या रहे हो, मारो। मन माने ना।